और आपका आज वीडियो में स्वागत है। तो आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है हॉटस्टार स्पेशल लाइफ हिल गई ऑफिशियल ट्रेलर दिव्यंदु कुशा कपिला एंड मुक्ति मोहन। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को, उसके अलावा लोग चैनल की इंस्टाग्राम लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वेलकम टू होटल गुड मॉर्निंग वुड्स विला। अब तुम दोनों इसे पहले जैसे बनाओ। जो भी ज्यादा कामयाब होगा उसे मैं अपनी पूरी जायदाद दूंगा। दादू, हेलो दादू, क्या वो पिताजी चल बसे? ओके फैमिली, हमारा गांव पंचमोली। हम अब इंटरव्यू शुरू करने वाले हैं। वेलकम एवरीवन। अच्छा, एक एक करके वेलकम टू गुड मॉर्निंग वुड्स विला फैमिली। दीदी मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, बात करना ही काम है मेरा। ए, ऐसे क्यों रखा है? मैं हीमा हूँ, वर्किंग वुमन इन अ विलेज। थोड़ा भारत तो आओ मिस्टर इंडिया। इंप्रेसिव। पजोनी, तुमने यहाँ यूज दिए बस रख दिए। एक साइड से यूज किया था, दूसरी साइड से तो प्रेसी है। शहर हो या गांव, कटता सबका। होटल चलाने के लिए वी नीड गेस्ट। अ ग्रुप ऑफ सिंगल मेन आर अ मेनेस टू सोसाइटी। For us, the top priority is your security. Oh! 3 minutes में तीसरा चूहा देख चुकी हूँ मैं। एक ही चूहा आपने 3 बार देखा होगा। मुझे ये होटल सुबह तक इतना क्लीन चाहिए कि ऐसा लगे कि दिवाली हो। छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली? सीरियस डेटिंग है या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप? फ्रेंड्स विद बेनिफिट टाइप की लगती है तुम्हें? No one here can take a joke. इतना फनी भी जोक नहीं था। मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ, उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स मेरे पास याद रोते रोते। मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। सारी यही कहती है। What's wrong with you, कल्की? क्या एक होटल में नया भूत मिला? भूत का स्कैंडल सुन के ना कोई नहीं आने वाला है इस होटल में। ये होटल बंद कर रहे हैं। तुम्हें डर लग रहा है तो दादू को बोल के इस चैलेंज से बाहर हो जाओ। तुम मुझे बच्चों की मदद कर ही देनी चाहिए। It's so unfair. Everything is fair in love and war. And this is war. Amongst loved ones. The winner is. Light chali gayi. भाई मुझे ट्रेलर जो है वो काफी चुलबुला सा लगा, काफी एंटरटेनिंग और काफी मजे वाला जो है ना, एक यानी कि शुरू से लेकर एंड तक ट्रेलर में आपको एंटरटेनमेंट जो है वो नजर आई है। लेकिन एक चीज जो है ना वो इसमें तो है कि भाई प्रॉपर्टी का जो है वो सारा मामला है, लेकिन जो है भाई लड़ क्यों रहे हैं? यानी कि होटल बना लिया है तो उसे मिलकर जो है वो चलाना चाहिए क्या? एक बंदा अपने नाम लगवाना चाहता है? कुछ ना कुछ तो बीच में मामला है, इसी वजह से ये चीज नजर आई। बट मुझे लग रहा है कि वो मतलब एक फैमिली ड्रामा टाइप नजर आ रही है कि जिसमें जो ग्रैंडफादर हैं, मतलब उन्होंने एक टास्क दे दिया है कि इस प्रॉपर्टी को आप लोगों ने दोबारा से एक तरह से चलाना है, होटल बनाना है, होटल इंडस्ट्री में लेकर आना है। और उसमें मेरा ख्याल में वो काफी ज्यादा लोकल्स की भी हेल्प लेते हैं जो इंटरव्यू के लिए वो बुलाते हैं। तो मुझे लगा कि काफी एक आपको कॉमेडी भी नजर आएगी और मे बी बाद में कहीं ना कहीं पर आपको इमोशंस भी जो है वो नजर आए। अभी तक तो कुछ इस तरह के सीरियस इमोशंस नजर नहीं आए। और अगर दिव्यांदु की बात करें, हाँ। जो मुझे लग रहा है कि उनका पेयर जो है मुक्ति के साथ बन रहा है, तो वो भी एक इस तरह से नजर आ रहा है कि लाइक मतलब इंटरेस्टेड है नहीं है, उसमें भी ब्रेकअप लाने की कोशिश की जा रही है। तो हाँ, मतलब ये है कि अड़चने काफी ज्यादा आएंगी, लेकिन हाँ लास्ट में क्या होगा, किसके पक्ष में जाएगा, उसके लिए तो मूवी देखनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है लास्ट में आते आते जो है ना दोनों जो हमें एक ज्यादा मूवीज में देखने को मिले, दोनों जो है वो खुशहाल एक दूसरे के साथ जो है वो मिलकर जो चलते हैं। लेकिन जो है ना भाई देखने वाली चीज ये है ना कि भूतिया कह रहे हैं लोग जगह को, और जो है इस तरह का जो है वो कहा जा रहा है कि भाई हॉन्टेड प्लेस जो है यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज जो है आपको देखने को जो है वो मिल रही है। लेकिन भाई मुझे तो वैसे काफी एंटरटेनिंग जो है वो लग रही है। जो उसका टाइटल एक लिखा हुआ है लाइफ हिल गई, तो मुझे लगता है होटल को जो है ना वो एस्टेब्लिश करते करते उन दोनों की अच्छी खासी बैंड जो है वो बजेगी। भी लोगों को जो है जो स्टाफ है उसे मैनेज करने का जो वो दिखाया गया, वो भी एयरबड इस्तेमाल करके एक साइड रख रहे, दूसरी साफ है, किचन में चूहे घूम रहे हैं उसको मैनेज करना, तो मुझे लगता है उस हिसाब से ना टाइटल बड़ा मस्त दिया गया। अच्छा, वैसे एक चीज है कि वैसे तो नाम भी लाइफ हिल गई है, हाँ। और बीच में हिल स्टेशन भी है, सो लाइफ हिल गई। और दूसरा हिल स्टेशन पे हिल गई, हाँ हिल। और कुछ
अनुष्का जो है वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग और बॉस लेडी टाइप दिखाई गई है, और दिव्यांदु की अगर मैं बात करूं, नहीं दिल फेंक नहीं, बट मुझे लग रहा है कि उन दोनों के बीच में हम लोगों को काफी ज्यादा ना एक वॉर सी नजर आएगी। बाकी मूवी देखेंगे तो आइडिया होगा। बीच में मुझे लगता है उनके जो फादर हैं वो फिर मे बी कहीं पर जाकर हेल्प करें, और बाकी ये कि मुझे लग रहा है एक होता ना कि सिंपल सी मूवीज होती हैं, आपको बड़ा मजे का प्लॉट लग रहा होता है, तो उस तरह की मूवी मुझे लग रही है कि लाइक आप एंजॉय करेंगे मूवी को। मुझे भी जो है कुछ उसी तरह का जो है वो लग रहा है, क्योंकि देखा जाए तो इस तरह की मूवीज की ना हमेशा हैप्पी एंडिंग ही होती है। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि भाई कैसी होगी ये मूवी। 9 अगस्त को आ रही है। 9 अगस्त को आ रही है। बिल्कुल, आप जरूर बताइएगा कि आपको स्टोरी क्या लग रही है। इसी के साथ हमें ज्यादा बाय।